हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये दियारी डेकोरेशन जो हम कर रहे हैं घर का, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ट्रस्ट मी कि ना, बहुत सारी अफोर्डेबल चीज़ों से या फिर बहुत ही कम चीज़ों से आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को। एंड सेकेंडली, मैंने यहाँ पे वही चीज़ें बाय की है जो नेक्स्ट ईयर भी यूज़ हो सकती है, और कई ओकेज़न फेस्टिवल पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये लड़िया है जो कि कलरफुल है, और ये प्लास्टिक की है, चेन वाली लड़िया है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आती है। आई थिंक 10 रुपीज़ पर पीस ऐसे कुछ आता है, तो वो मैंने सबसे पहले यूज़ किया है अपने जो घर का पीछे वाला गेट है उस पर लगाया है। फिर उसके बाद में ये फ्लावर्स वाली लड़िया, ये भी बहुत ही सस्ती है, और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आपको अगर बाय करना है तो ये लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप इसको कर सकते हैं यूज़। तो ये फ्लावर मैंने अपने जो कर्टन है उसकी ऊपर लगा दिया है पूरे में। एंड उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा कबर्ड है, अलमीराज वगैरह है, तो वहाँ पर मैंने ये लड़िया शुरू की है। और ये वाली लड़िया मेरे पास बहुत सारी है, लाइक 20 to 25 होगी, तो इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक होली पर भी यूज़ कर सकते हैं और दिवाली पर तो करते ही है। तो बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते। अभी सिर्फ दो चीज़ यूज़ की है और उसी से घर में इतना अच्छा सा लग रहा है। और ये लाइट हमने लगा के देखा कि बल्ब वाली अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ये राइस लाइट यूज़ करेंगे जो कि कलरफुल है, इसमें कलर चेंज वगैरह होते हैं। तो इनको मैंने कर्टन पर लगा दिया है थोड़ा सा वैसे वेव करके, डिज़ाइन दे के। एंड जो मेरे ये फ्रेम है घर में, 3 फ्रेम्स, उनके पीछे से ऐसे लेके मैंने पूरे दीवार पर लगा दिया है, और फिर उसी लड़ियों के ऊपर भी लगा दिया है, ताकि जो ये लड़िया है कलरफुल वाली वो और भी ज़्यादा अच्छे से चमकने लग जाए और भी ब्राइटनेस लगे इसके अंदर। सो इसीलिए ये वाला किया है। एंड फिर नेक्स्ट रूम के बाहर वाला ये एरिया है, वॉशरूम के बाहर वाला, तो वहाँ पे मैंने लाइट ट्राई किया, लेकिन वो मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने हेल्प की और ये थोड़ी सी सफाई बच गई थी, तो वो मैंने किया बाद में हल्का से। और फिर उसी के साथ मैंने जो बाहर का मेन गेट का जो किया थोड़ा बहुत किया, फिर उसके बाद में जो ऊपर का एरिया था उसको मैंने हस्बैंड को मैंने बोला कि आप कर दो, और उनको भी हेल्प करनी चाहिए ना, दिवाली की सफाई अकेले तो कोई कर नहीं सकता है, तो वो वैसे भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। ये हमारे अंकल आंटी का घर इतना प्यारा लग रहा है, इन्होंने आज ही किया है डेकोरेशन, और इधर इन्होंने किया है पड़ोसियों ने, अभी 4 दिन और दिवाली के, लेकिन शुरू हो गया है सबका। यहाँ से फिर हमने वापस स्टार्ट किया, और ये मेरे हस्बैंड ने यहाँ से सारी लाइटिंग उन्होंने ही की है जो बाहर की है लाइटिंग, क्योंकि वो सारा ऊपर वाला एरिया होता ना, तो वहाँ पे मेरे हाथ तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने ही फिर किया सारा। एंड यस, दिस मी। और फिर मैं उनको आइडियाज़ दे रही थी कि ऐसे लगाना है वैसे लगाना है, क्योंकि लड़के यू नो कि ज़्यादा क्रिएटिव होते नहीं है। मेरे हस्बैंड तो सच में मतलब है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन ये लाइट्स वगैरह ना सारा क्रेडिट मैं लूँगी, बिकॉज मैंने बहुत दिमाग लगाया सच में इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फाइनली ये बहुत ही अच्छा लुक आया है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्लेन लगाऊंगा, और प्लेन काफ़ी अच्छी लग रही है, और फिर ये ऐसा लग रहा है घर प्लेन सा। देन उसके बाद में ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, गेंदे का फूल, गेंदे के फूल, और ये लीव्स वगैरह, तो उनको ऐसा लगाया लाइक तोरण जॉइंट। हाँ, ये सही है। और ये लगाया हुआ है हाँ वहाँ पे। मैं इनसे कब से बोल रही हूँ भैया, बात सुनते नहीं, फिर उल्टा सीधा कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं जो मैंने बोला है। टेप ला, यूवी यूवी टेप दो। हेल्प कर रहा है, ये टेप वगैरह ला के देता रहता है। सुपरस्टार है, रॉक स्टार है, रॉक स्टार है। जो हमारा मेन गेट है वो रेडी हो गया है, तो फाइनली ये लुक है हमारे घर का डेकोरेशन के बाद में। तो ये बल्ब वाली लाइट से यहाँ तक, और फिर ये हमने यहाँ लगा दिए लालटेन, एक दिया बुझ चुका है, तो कोई बात नहीं, आज दिवाली है नहीं वैसे। एंड फिर बाद में मैं ये लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, बाहर की लाइट यहाँ से है ना, तो लाइट ऑन करने के बाद में ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ये फ्लावर्स लगाए हैं, और ये लीफ लगाई है इधर साइड में। फिर चलते हैं अंदर, तो अंदर ये
यहाँ से कर्टन से स्टार्ट किया है, फ्लावर्स रखे कुछ और ये विंड चाइम्स शो पीसेस है कुछ। यहाँ से लाइट ऑन करते हैं, फिर ये ऐसा लग रहा है। ये पूरा एरिया है, छोटा सा एरिया है। यहाँ पे ये किचन है, फिर ये पूजा वाला रूम या फिर गेस्ट रूम है ये वाला, और ये रूम है, और ये वॉशरूम का गेट है। यहाँ से चलते अंदर। तो अंदर यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो टीवी चल रहा है म्यूट। एंड ये गेट यहाँ पे ग्रीन कर दिया पूरा। फिर ये कर्टन्स के ऊपर पहले भी ये फ्लावर वाली लड़ी लगाई और फिर उस पर लाइट लगा ली इसे। एंड फिर फ्रेम्स के ऊपर यहाँ से मैं लेके आई इसे, ऐसे कर दिया है। फिर यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। एंड ये वाला तो आपने देखा ही है, युवान का मेमोरी है सारी। फिर यहाँ पे इन कवर्ड पे सब पे लगा दिया ये वाला। एंड ये बेड के ये जो चारों तरफ लगाई हुई लाइट वो है। I'm taking pics। ये हो गया। और फिर ये एरिया है, यहाँ से लाइट हमने ये रखा हुआ है और ये पिलो रखा है ताकि युवान छेड़े ना इसको। ये पीछे लाइट है पूरी बेड के। और फिर ये वाला एरिया है जहाँ पे मैंने कैंडल्स जलाई है, की लाइट कैंडल। और ये वाले जो है मैं पूजा के टाइम पे पूजा के वहाँ रखूँगी, अभी मैंने जस्ट ऐसे ही रखा है। और यहाँ पे भी कैंडल्स रखी है कुछ, और इनको जलाया नहीं अभी फ़िलहाल। ये हो गया है, अब मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। हाँ ये भी तो ऑन करने के बाद में ऐसा लग रहा है। ये पूरा हो गया, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। फिर बाहर चलते हैं। तो यही है हमारा दिवाली का डेकोरेशन। और ये लाइट ऑफ कैसे हुई। ये है हमारा घर सुंदर सा। तो कैसा लगा आपको हमारा छोटे से घर का दिवाली डेकोरेशन? अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपने कैसे सजाया, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो दिए वगैरह है, जैसे मिट्टी वाले दिए, वो सारे जलाना बाकी हो, मैं दिवाली के दिन जलाऊंगी, बिकॉज 4 दिन और है। तो मैंने आज जलाना सही नहीं समझा और लाइटिंग वगैरह पूरी कम्प्लीट हो गई है।